कितनी देर हो गया आपको इस यहाँ पे स्टेट पर एडमिशन लिए? अभी दोस्त बना लिए होंगे आपने? Yes, sir. So, दोस्तों की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है? आपने अभी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बने होंगे, I doubt अभी बने होंगे, बट आप सबके स्कूल से बेस्ट फ्रेंड जरूर रहे हैं ना? है ना? So, बेस्ट फ्रेंड की बेस्ट क्वालिटी क्या होती है? Okay, point one is, आप कोई भी चीज अपने फ्रेंड के साथ कभी भी शेयर कर सकते हैं। You can be very honest to him or to her. अब वो चीजें उसे बता सकते हैं जो शायद आप अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को भी नहीं, या अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बता सकते, या अपने कजन्स को भी नहीं बता सकते, है ना? और you're very comfortable with them. तभी वो आपका बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि आप उनसे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, है ना? Yes. And one very important thing, वो आपको हमेशा एडवाइस देता है, अच्छी देता है, बुरी देता है, वो हम कमेंट नहीं कर सकते, बट इज ऑलवेज एन एडवाइजर फॉर यू, है ना? नॉलेज क्यों जरूरी? देखो, आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई भी इंसान कॉल कर सकता है, ठीक है ना? और वो आपसे कुछ भी किसी भी बारे में पूछ सकता है, है ना? तो अगर आपको उस बारे में नॉलेज नहीं होगी तो उस इंसान का क्या इंप्रेशन पड़ेगा? डम्बो है। हाँ, और मे भी हो सकता है वो उसके बाद आपको कभी ना सुने, हो सकता है वो अपने सभी दोस्तों को बोल दे कि यार इसको तो कुछ आते हैं। सो नॉलेज का सबसे आसान तरीका है, आप इतना बड़ा बड़ा बैग सब लेके आते हैं, एक जो आपकी फेवरेट बुक है उससे शुरू कर दीजिए एंड रीड अ लॉट, एटलीस्ट 1 आवर डे। इतना तो आप जिम में भी जाते होंगे, कुछ तो करते होंगे, एक घंटा सोने से पहले एटलीस्ट 1 आवर डे रोज पढ़े, जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है। अगर स्पोर्ट्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर बुक्स नहीं पढ़ना चाहते तो मोबाइल से पढ़िए, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर की किताब इज समथिंग विच इज जेन्युइन। जो फेसबुक पर, जो ट्विटर पर, जो इंस्टाग्राम पे नॉलेज मिलती है, दैट इज हाफ पेड नॉलेज, दैट इज मिसलेडिस नॉलेज। यस सर, सबके लिए जरूरी नहीं है, इट्स एन एड ऑन। अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो इसमें अच्छी बात है ना, बिकॉज अगर आप एक आरजे हैं और आप एक अच्छा गिटार भी बजा लेते हैं, इट्स एन एड ऑन। अगर आप एक अच्छे आरजे हैं, अच्छी शायरी भी कर लेते हैं, इट्स एन एड ऑन। सो वो शायरी भी इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जो मैंने जो प्यार का विवेचन हुआ है, तो इट्स ओनली अ पॉइंट। तो इसको इसके लिए कहते हैं कि अगर यस, आपने क्या नाम बताया आपका? नीशु। इसके लिए एक लाइन है कि अगर तुष्क में बर्बाद नहीं हो सकता, अगर तुष्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा, तुझे इस सबक याद नहीं हो सकता। My name is Shimona. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम कहीं भी जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वो हमसे ये पूछते हैं कि आप ये क्यों करना चाहते हो, तो हम अगर ये बोलते हैं कि ये मेरा पैशन है, ये मेरी फेवरेट थिंग है, तो वो गलत होता है, वो क्यों? See, मुझे इंटरव्यू के लिए कभी नहीं पता, मैंने जिंदगी में कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो हाँ, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। मैंने सिर्फ जिंदगी में एक बार ऑडिशन दिया, तो उसके बाद मैं हो गया सिलेक्ट, उसके बाद कभी उसके बाद से इंटरव्यू ले रहा हूँ, पर दिया कभी नहीं। सो ऑल आई वुड से इज जस्ट बी ऑनेस्ट। आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं, मैंने जो चीज़ सीखी है इतने एक्सपीरियंस, इतने तजुर्बे से, कि इफ यू आर ऑनेस्ट तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। जितना आता है ना उतना ही बोलो और ऑनेस्टली जवाब दो, वो पैशन है कि नहीं है, दैट इज, अगर वो आपका पैशन नहीं है और आप बोल रहे हैं कि वो आपका पैशन है तो वो गलत है। बट ओनली इफ यू आर ऑनेस्ट एंड स्मार्ट, ऑनेस्ट और स्मार्ट दोनों होना बोल सकते हैं।